हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इसमें y is equal to sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। ठीक है, अब आपको बेटा y के अंदर दो फंक्शन दिए गए हैं, या आपने इसको फंक्शन तो ले लिया बट y के अंदर आपके पास u प्लस v दो फंक्शन दिए गए हैं, तो आप लेट करेंगे u जो है हमारे पास sin x की पावर x, u v भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, p q भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास v फंक्शन जो है sin इनवर्स रूट x है। ठीक है, चलिए अब अगेन आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास y के अंदर दो फंक्शन आ गए v प्लस u प्लस v, तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, dy अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ओके बेटा, ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट u फंक्शन को सॉल्व करेंगे आप, फिर सेकंड आप v फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं sin x की पावर x है, वो कुछ वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग sin x की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉग वाला फॉर्मूला लॉग a की पावर b, वो क्या है b log a, पावर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी फंक्शन के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log u is equal to x log sin x, ये आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 by क्या आ जाएगा u और du upon dx, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड मल्टीप्लाई में आपके पास, फिर आपके पास प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x का डिफरेंशिएशन 1 log sin x, और हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 by x, तो sin x क्या है उसका x चल रहा है sin x, तो बेटा x का भी डिफरेंशिएशन लेंगे तो sin x का भी डिफरेंशिएशन लेंगे आप मल्टीप्लाई में x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास du upon dx, तो ये u इस साइड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास log sin x, यहाँ पे आपने देखा 1 by sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है cos x, तो ये आ जाएगा cos x upon में sin x है ये आपके पास। ठीक है, और x आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे du upon dx, u की वैल्यू क्या है sin x की पावर x, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log sin x और प्लस ये बन जाएगा x cot x। ठीक है, x आपने आगे ले लिया, ये cot x आ गया आपके पास, cos upon x, cos x upon sin x क्या होता है cot x। ठीक है, ये आ गया, अब आप b को डिफरेंशिएट करेंगे sin इनवर्स रूट एक्स, तो बेटा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास सिंगल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास पावर नहीं मिली है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1 by 1 minus x का स्क्वायर, अब x क्या चल रहा है रूट एक्स। ठीक है, तो फिर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है,
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे आप, ओके तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे बेटा देख रहे हैं आप, टू से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, वन वन माइनस एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाला स्क्वायर रूट नहीं कट होगा, इसका एक्स का जो स्क्वायर रूट है वो कट होगा। तो वन रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है आपको अब ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चलिए हमारे पास आ गया डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये बेटा रूट वन माइनस एक्स है, टू रूट एक्स है, हम टू यहाँ पे ले रहे हैं, रूट एक्स जो है यहाँ एक्स जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, ठीक है तो ये आ जाएगा वन बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ये आ जाएगा आपके पास। इसको ले लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन, और इसको ले लेंगे आप थर्ड इक्वेशन, तो पुट करेंगे इसमें, आप ये नोट कर लीजिए। हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये, तो डालेंगे साइन एक्स की पावर एक्स, हमारे पास है लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है फिर आप प्लस करेंगे, हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है यहाँ प्लस ओके की वैल्यू आ जाएगी, ओके बेटा ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, चेक कर लीजिए, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है ये आपको दिया गया है फंक्शन, तो आप लेट करेंगे बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स की y is equal to, yes, यही करेंगे x की पावर sin x plus sin x की पावर cos x, ओके अब y के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होंगे ये, तो लेट करेंगे हमारे पास u जो है x की पावर sin x है और v जो है हमारे पास sin x की पावर cos x है, ठीक है ओके तो y में हमारे पास दो फंक्शन आगे v और u और v, ठीक है अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो आप डी यू और डी वी की वैल्यू निकालेंगे अभी आप। चलिए तो फर्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे आप यू फंक्शन को, तो करिए यू हमारे पास है एक्स साइन एक्स, ठीक है तो हमारे पास देख रहे हैं एक्स की पावर साइन एक्स है, एक्स की पावर क्या है कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके बेटा। चलिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है तो फॉर्मूला हमारे पास वही आएगा लॉग ए की पावर बी, तो बी लॉग ए। चलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है
अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, दो फंक्शन हो गया आपके पास ये, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए हमारे पास 1 by u du upon dx, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे आप साइन एक्स का, और सेकंड आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस डेरिवेटिव आप लेंगे सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा डी यू अपॉन डी एक्स 1 by u, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लॉग एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस लॉग एक्स का क्या होता है 1 by x, और एक्स का 1 और साइन एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाइए डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, और ये आ जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या चल रही है आपकी, यू की वैल्यू क्या चल रही है एक्स की पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, एक्स आ जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, तो नीचे आपका क्या चल रहा है यहाँ पे एक्स, ठीक है। ओके बेटा चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है बी फंक्शन, बी फंक्शन में है साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगेन आप क्या करेंगे लॉग करेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लेंगे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा लॉग बी लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला लग गया लॉग ए की पावर एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स पहले आ जाएगा, सॉरी ए की पावर बी, बी पहले आ गया लॉग साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 by b डी बी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है ये, तो बेटा अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट जो है मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए 1 by b dv upon dx cos x का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और log sin x प्लस log sin x का क्या आएगा 1 by sin x, क्यों x जो है उसका sin x चल रहा है, log x का जो वो क्या चल रहा है वो log का x जो है वो sin x है बेटा, इसलिए sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साथ में करके, यहाँ से हम इसको थोड़ा साथ कर लेते हैं वहां, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और लॉग एक्स ये लॉग ये मल्टीप्लाई में है लॉग साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस बेटा हमारे पास लॉग ये क्या है आपके पास लॉग साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 by sin x, और बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स जो उसका फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप आ जाइए इस साइड आ जाइए आप, ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए
साइड आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स और ये बी साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स है ये क्या है एक्स, ये है लॉग साइन एक्स। ओके अब हमारे पास यहाँ पे वन बाय साइन है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए बी की वैल्यू डालेंगे क्या है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, अब यहाँ पे है हमारे पास माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स और ये हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स और ये कॉस कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो इसको आप ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन तो ये आएगी आपकी, ओके, और ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। तो आप पुट करेंगे किसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए वैल्यू डालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू और डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स साइन एक्स, एक बार चेक कर लीजिए इसको कोई पीछे इसने सॉल्व तो नहीं किया, आगे आंसर यही है ना आपका, हाँ यही है आपका आंसर, ठीक है। इसने क्या किया इस बार सॉल्व नहीं किया, इसने क्या रखा यहाँ पे ये साइन एक्स जो हमने सॉल्व किया था ये नहीं किया बेटा, इसने यहाँ पे एक्स ही रखा है, ओके पीछे। और नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड इक्वेशन आ रही है उसमें देखिए साइन एक्स, ठीक है, ओके ये क्लियर है। चलिए अब आप वैल्यू डाल देंगे इसकी, हमारे पास आ गया डी यू की वैल्यू एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ये, तो ये डालेंगे आप प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ आप ये नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाएगी ये चीज, अब ये माइनस वाली वैल्यू है इसको मैं उस साइड लिखूंगी प्लस वाली आ गई, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, दिस वन इज योर आंसर, ओके बेटा ये आपका आंसर है एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, दिस वन इज योर आंसर, ओके बेटा, ओके थैंक यू।